क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। अभी देखिए डेफिनेशन इंट्रोडक्शन। एक क्लोज्ड फिगर हैविंग मींस क्या है क्वाड्रिलेटरल का, कि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखिए। एक क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड फोर एंगल फोर वर्टाइसेस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके फोर साइड होती है, फोर एंगल होते हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं, तो क्या वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, अब उसके टाइप रीड करते हैं। ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मीन्स उसका अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है, ये क्या कहलाता है ट्रेपेजियम। ओके, सेकेंड पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मीन्स इसकी बोथ पेयर, मीन्स दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। पैरेललोग्राम की कंडीशन है इसकी अपोजिट साइड इक्वल, मीन्स ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, इस तरीके से राइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एबीसीडी का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मीन्स ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की कंडीशन होती है अ पैरेललोग्राम हूज इज एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। मीन्स रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, हर एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। अभी ये रेक्टेंगल है, अगर इसके ये एंगल 90 डिग्री है तो उसको रेक्टेंगल बोलेंगे, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बिकॉज यहाँ पे जो अपोजिट साइड इक्वल होती है, थोड़ी लाइन इस तरीके से होती है, पैरेललोग्राम होता है। बिकॉज इसकी ये 90 डिग्री नहीं है तो इसको पर रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। ठीक है, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल है। अगर ये 90 डिग्री तो ये रेक्टेंगल होगा और 90 डिग्री नहीं है तो वो होगा पैरेललोग्राम। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। और इसके फोर एंगल इक्वल होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट स्क्वायर, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती है, फोर साइड इक्वल होती है, उसके ईच एंगल इक्वल होते हैं। ए बी पैरेलल सी डी, मीन्स इसकी साइड ए बी पैरेलल सी डी है एंड ए डी पैरेलल बी सी, ए डी किसके पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और इसकी फोर साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी है। ओके, एंड एक कंडीशन और है, इसके फोर एंगल 90 डिग्री होते हैं। ओके, स्क्वायर की फोर एंगल 90 डिग्री होती है और फोर साइड इक्वल होती है। एंड रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। पैरेललोग्राम ऑल साइड इक्वल होती है और तो भी क्या होता है रोम्बस होता है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में सिर्फ क्या होता है ऑल साइड इक्वल ना होकर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। तो एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, ऑल साइड इक्वल मीन्स ए बी इक्वल डी, जिस तरीके से अपन ने इसको राइट किया था ना, इसकी फोर साइड इक्वल होती है, इसी तरीके से रोम्बस की फोर साइड इक्वल होती है। डिफरेंस ये है, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस के एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, अगर इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है तो ये रोम्बस है, और अगर एंगल 90 डिग्री होते हैं तो वो है स्क्वायर है। फोर साइड इक्वल दोनों की होती है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, सफिशियंट कंडीशनल फॉर इक्वल फॉर क्वाड्रिलेटरल टू अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, मीन्स पैरेललोग्राम है और ये टू डायगोनल्स हैं, तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी और ए बी इक्वल सी डी। सेकेंड पॉइंट, अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, जैसे कि ये मैंने बताया था, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कंडीशन क्या है, जैसे कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इस
तरीके से ये अपने डायगोनल बना दिए, तो ओ ई किसके इक्वल होगा ओ सी के, ओ भी इक्वल होगा ओ डी के, बस ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये राइट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैलेरोग्राम। ठीक है, पैलेरोग्राम की कंडीशन क्या होती है, मीन्स इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल ही बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपने वन डायगोनल बना दिया, अगर ये एंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स का साइन होता है। ये इस तरीके से अ डायगोनल ऑफ अ पैलेरोग्राम डिवाइडेड टू इनटू कॉन्वेक्स ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्वेक्स ट्राइंगल है। ठीक है, मीन्स दोनों अगर ट्राइंगल इक्वल है तो अपन इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, इफ इन अ पैलेरोग्राम द अपोजिट एंगल आर इक्वल, वही कंडीशन है, इन अ पैलेरोग्राम अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इन अ पैलेरोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मीन्स ये इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 8 कंप्लीटेड।